भारत में लोगों के लिए जाति ही सबसे बड़ी चीज है। लोग अपनी जाति के प्रति ही सबसे ज्यादा वफादार होते हैं और उनके लिए अपनी जाति का हित ही सबसे सर्वोपरि होता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जाति का विनाश यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की जो किताब लिखी है उसमें ये बातें कही हैं। ये बातें हमें बताती हैं कि कैसे भारत एक जाति प्रधान देश है और यहाँ लोगों की रगों में लहू के साथ साथ जाति भी दौड़ती है। लोग अपनी जाति पर बेहद घमंड करते हैं, अपनी जाति को सबसे अव्वल मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों को नीचा मानते हैं। खासकर दलित जातियों के प्रति तो नफरत की सारी हदें पार कर देते हैं और दलित जातियों के नाम पर तो बाकायदा गालियां बना दी जाती हैं और उनके लिए कैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल होता है वो आप और मैं बखूबी जानते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऐसे जाति सूचक शब्द और गालियां सुनते रहते हैं। ताजा मामला ये है कि जो नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी हैं, जिन्होंने नोएडा की एक सोसाइटी में एक महिला को जो बनिया जाति से थी उनको गाली गलौज किया, उनके बारे में गलत बातें बोली, उनको अपमानित किया और उसके बाद फिर जो एलीट लोग थे, पैसे वाले लोग थे, वो भिड़ गए सरकार से, सत्ता से और जो फिर सामंती सोच के जो लोग थे, त्यागी श्रीकांत त्यागी जैसे लोग, उनकी मुठभेड़ हुई और आखिरकार त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके घर पर बुलडोजर चला। लेकिन अब इस बात को त्यागी समाज ने अपनी अस्मिता से जोड़ लिया, अपनी जातीय घमंड से जोड़ लिया और नोएडा में एक महापंचायत बुलाई गई जो श्रीकांत त्यागी उनके समर्थन में और उनके जो आरोपी उन पर लगे, उन पर जो आरोप हैं उसके हिसाब से कहें कि ये इन्होंने, इनका दावा था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, अगर किया है तो आप उनको सजा दीजिए, लेकिन उनका घर गिरा दिया, उनकी पत्नी को आप क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे परेशान कर रहे हैं, पूरे त्यागी समाज का अपमान कर रहे हैं, बाकायदा इन्होंने कहा। और इसी के दौरान जो ये व्यक्ति है, आप इसमें वीडियो में देख रहे हैं, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इन्होंने चमार शब्द का इस्तेमाल किया और ये कहा कि हम त्यागी हैं, त्यागी हैं, बीजेपी के चमार थोड़ा ही है जो उन्होंने चमार समझ के रखा है। ये बात इन्होंने टीवी पर बोली है, इंडिया टीवी का ये स्क्रीनशॉट है, उसमें ये हमने कैप्शन दिया है, बबल लगाया है और उसमें नजर आ रहा है इन्होंने क्या बोला है, वो बात आप सुनिए, इनकी वो बयान सुनिए। इसके लिए त्यागी समाज परशुराम जो बंसज है वो हम आज एक अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने के, सरकार को दिखाने की हमें भी कोई ताकत है, इन्होंने क्या कोई चमार समझ रखे हैं उनको भाजपा का, तो वो चीज दिखाने के लिए हमने काम किया है। तो सुना आपने ये व्यक्ति किस तरह से अपनी जाति पर घमंड करते हुए चमारों के प्रति अपनी नफरत को जाहिर कर रहा है, कह रहा है भाजपा के चमार समझ के रखा है, यानी चमारों का कोई अस्तित्व नहीं, चमारों का कोई आत्मसम्मान नहीं, चमार कुछ होते ही नहीं है, हमें वो समझ के रखा है क्या, ये इस व्यक्ति का कहना है और ये बात टीवी पर कही गई है, टीवी पर ये वीडियो चला है। अब यहाँ देखिए कि जो सवर्ण रिपोर्टर थे उन्होंने ना इसमें रोक टोक की, ना चैनल ने एडिट किया, ये जाति सूचक शब्द है, जाति सूचक बात कही जा रही है, उनको नीचा दिखाया जा रहा है, अपमानित करने की कोशिश हो रही है, ना इसको बीप किया गया, ना एडिट किया गया, ना रिपोर्टर ने टोका कि भाई आप ऐसी जाति सूचक बात क्यों बोल रहे हैं, क्यों ये घमंड भरी बात बोल रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कैसे कर रहे हैं, ना टीवी के किसी जो एंकर रिपोर्टर एडिटर कुछ भी थे किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके लिए शायद मायने ही नहीं रखते। ये कहना कि चमार समझ के रखा है, अब यहां पर सवाल आता है चमार होते क्या हैं? चमार वो हैं जिन्होंने मरे हुए जानवर की चमड़ी उधेड़ कर उसके ढोल बना दिए और ढोल को पीट के साउंड निकाल लिया, कला निकाली, संगीतों का आविष्कार कर डाला, वो चमार हैं जो चमड़ी उतारना जानते हैं, चमड़ी की खाल से जो वो ढोल बनाना जानते हैं, जूते बनाने जानते हैं और वो जूते जब हाथों में आएंगे और सिर पर पड़ेंगे फिर आपको क्या समझ में आएगा कि चमार क्या होते हैं। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे जो लोग हैं वो लगातार अपनी जाति पर घमंड करते हुए दूसरी जातियों को, खासकर दलित जातियों को, इतना नीचा समझते हैं कि उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनमें कोई आत्मसम्मान नहीं है, जो मर्जी इनके दिल में आता है, मन में आता है बोल देते हैं। तमाम लोग बोलते हैं क्या भंगी दिख रहे हो, भंगी के जैसे कपड़े पहन के आ गए हो, भंगियों की तरह बैठे हुए हो, चमारों की तरह बैठे हुए हो, ये इनको शर्म नहीं आती, बोल चाल में आप किसी जाति के नाम को गाली की तरह इस्तेमाल करते हो, इतना घमंड, इतनी घटिया मनुवादी सोच के संस्कार आपको मिलते कहाँ से हैं,
इनके घरों से मिलते हैं। घरों में इनको सिखा दिया जाता है कि इनकी जाति सबसे ऊपर है, बाकी जाति के लोग बेकार हैं, इनकी जाति के लोग श्रेष्ठ हैं जन्म के आधार पर और बाकी जाति के लोग खराब हैं कर्म के आधार पर, क्योंकि वो काम उस तरह का लेबर का ज्यादा काम करते हैं, मेहनत कश लोग हैं, ब्लू कॉलर जॉब करते हैं, और ये जो निठल्ले बैठे हुए लोग हैं ये अपनी जाति को श्रेष्ठ मानते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। आप जिस व्यक्ति का बचाव कर रहे हैं, करिए, किसने रोका? किसी ने तो विरोध नहीं किया, किसी दलित संगठन ने, अम्बेडकरवादी संगठन ने ये नहीं कहा कि एक महिला का अपमान करने वाले गालीबाज श्रीकांत त्यागी के समर्थन में इस तरह से त्यागी समाज क्यों सड़कों पर उतर आया है, क्यों इन्होंने इसको जाति से बाहर नहीं किया, उक्का पानी बंद नहीं किया, इसे नाता क्यों नहीं तोड़ दिया, लेकिन वो तो समर्थन कर रहे हैं, हमने ऐसा नहीं बोला, किसी संगठन ने नहीं बोला, तो फिर दलितों का अपमान करते हुए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया है? और ये कैमरे पर है, ये तो रिकॉर्ड हो गया है, इसके अलावा ये क्या क्या वहां पर बोल रहे होंगे, ये एक कहें कि बड़ा सवाल खड़ा होता है। उसके ऑफ कैमरा तो जानिए क्या क्या बोलते होंगे, और ये लोग जिस मोहल्ले में रहते होंगे, जिस गांव में रहते होंगे, जिस जगह काम करते होंगे, जहां पढ़ते पढ़ाते होंगे, इनकी उपस्थिति जहां भी होगी वहां पर ये लोग चमारों के प्रति, दलित समाज के प्रति कितनी घृणा रखते होंगे, इसका अंदाजा हमें इस आदमी की बाइट से इसको सुनकर लग गया कि कितनी नफरत करते हैं। मतलब ये ऐसे जो लोग हैं जो घोषित गुनहगार हैं, अपराध किया है, वीडियो है, कितनी बदतमीजी से ये बात करता है, गाली देता है श्रीकांत त्यागी लफंगों की तरह, उसके समर्थन में आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं और एक जाति के खिलाफ अपनी घृणा को जाहिर कर रहे हैं। इनके जो लोग हैं, बल्कि इस बानों के जो अपराधी हैं वो उनको छोड़ दिया गया और कहा जा रहा है कि ब्राह्मण हैं, अच्छे संस्कार हैं, अच्छा आचरण था, छोड़ दिया उनको, वो ब्राह्मण है तो फिर मतलब उनको क्या इसकी आज़ादी मिल गई इस तरह से बोलने की या इस तरह से उत्पीड़न करने की या दूसरी जातियों को अपमानित महसूस कराने का क्या उनको जन्म सिद्ध अधिकार है? आपको देखना है कि ये मनुस्मृति का राज नहीं है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का राज है, यहाँ संविधान से चलते हैं, सब बराबर के लोग हैं, आप जाति पर घमंड ना करें। बाबा साहब कहते हैं जाति एक ऐसी चीज है जिस पर घमंड नहीं किया जाना चाहिए, बहुत ही बुरी चीज है, एक बीमारी है। अगर किसी इंसान को कैंसर हो जाए तो वो क्या कैंसर पर घमंड करेगा कि मुझे तो कैंसर हो गया, मैं सबसे अच्छा हूं, बाकी लोग बेकार हैं, आई हैव कैंसर, आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड आई एम गोइंग थ्रू लॉट ऑफ पेन। यू कैन नॉट से दैट, आप ऐसा नहीं बोल सकते। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो हम कहेंगे कि आप शायद मानसिक तौर पर आप थोड़े परेशान हैं, आपको काउंसलिंग की जरूरत है, आपको इलाज की जरूरत है, हम ऐसा मानेंगे। ऐसी ही बीमारी कैंसर जैसी बीमारी है जाति, जिसने इस देश के निर्माण में सबसे बड़ी रुकावट पैदा की है। कितनी जातियों के टैलेंट को आपने मार डाला, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया, उनको स्किल्स के साथ काम करने नहीं दिया, उनको गुलाम बना के रखा, उनको आज भी आप देखेंगे आप कहीं पे आगे बढ़ते हुए देख के खुश नहीं होते, और जब कोई बढ़ जाता है तो उसके खिलाफ किस तरह से षड्यंत्र करते हैं ये भी बात हम सब जानते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी जाति पर गर्व करते हैं। यही त्यागी समाज के लोग जब भगवा झंडा लेकर बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं तब तो कहते हैं सारे हिंदू हैं, हिंदू एक हो जाओ, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र के लिए कुर्बानी दो, मुसलमान आपके दुश्मन हैं, चलिए निकल कर आ जाइए। लेकिन जब इनका वापस ये घर लौटते हैं तो ये हिंदू से सवर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये बन जाते हैं, फिर सारी जातियों में बढ़ जाते हैं। 6000 से ज्यादा जातियां आपने बना दी, कितनी हजार उपजातियां हैं, तमाम तरीके के आपके जातियों में बटे हुए घेटो हैं, जाति के हिसाब से आपके मोहल्ले हैं, जाति के हिसाब से आपने कस्बे बसाए हैं, जाति के हिसाब से आपके गांव हैं, काम बांट दिया है, फिर आप किस बात की एकता की बात करते हैं? तब तो आप उन्हें हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप कहते हैं आइए आपका इस्तेमाल करते हुए, चलिए निकलिए घरों से, देश की आजादी का वक्त है, देश के धर्म को बचाना है, हिंदू खतरे में है, और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं आप हमारे खिलाफ में। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए आपको अपने जातीय घमंड को भी छोड़ना होगा। आपके अंदर की जो चौधर भरी हुई है, जो आपको लगता है कि आप ही सबसे अच्छे हैं बाकी सब लोग खराब है, इस मानसिकता को बदलना होगा। आपको इंसान बनना होगा। इंसान बनने के लिए आपको समानता के सिद्धांत में यकीन करना होगा, न्याय के सिद्धांत में समता मूलक समाज को बनाने के लिए आपको मानना होगा कि ये समाज सबका है, सब बराबर हैं, किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र, कपड़े, खानपान किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।
इंसान बनिए। ऐसे गुंडों के लिए आप समर्थन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया है। नोएडा पुलिस को, गौतम बुद्ध नगर पुलिस को, प्रशासन को इसके खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए। SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर इसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि ये दो जातियों में वैमनस्य यानी दुश्मनी फैलाने का काम भी कर रहा है। इस तरह की भाषा है और दो जातियों के बीच में ये टकराव करने की भी कहीं की एक साजिश नजर आती है, इस तरह की भाषा ये बोल रहा है। तो प्रशासन को इसको गिरफ्तार करना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। ऐसे जातिवादी जो मनुवादी लोग हैं, इनका जो रोग है दिमाग का, जाति का, उसका इलाज जेल में रहकर करना चाहिए, इनको तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। और चमारों के खिलाफ इस तरह की भाषा बहुत सुनने में मिलती है। ये एक घटिया है, चरित्र है, घटिया आदत है। चमारों के खिलाफ, भंगियों के खिलाफ, तेली समाज के खिलाफ, नाई समाज के खिलाफ, कुर्मी, कुहार, लोहार, धोबी, इन लोगों के खिलाफ जो मेहनत करने वाले लोग हैं, किसान, श्रमिक जातियां हैं, मेहनत करते हैं, फ्री में बैठ के नहीं खाते, किसी का हड़पते नहीं हैं, वो लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है। आप निकालिए जरा इतिहास चमारों का, उनका संघर्ष है आप देखिए, उनके संघर्ष की गाथाएं पढ़िए, उनकी कुर्बानियों के बारे में देखिए, किसकी विकट परिस्थितियों में वो रहे हैं उसके बारे में आप देखिए, और अपने पुरखों का इतिहास देखिए, कितना गलत है, कितना अन्याय उसमें भरा हुआ है, कितना शोषण है। आपको वो पढ़ेंगे तो आपको शर्म आ जाएगी, लेकिन शर्म जब आए, जब आपके अंदर शर्म हो, बेशर्म लोग हैं। इस मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्रशासन को भी टैग करें ताकि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सके। आपसे अपील है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, साथियों अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।